इस आज का जो वीडियो है वो वेल्थम का जो वॉल हीटर है उसके बारे में है, और जो बहुत सारे क्वेरीज आए हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, और आज इसी के बारे में हम सब कुछ कंपाइल करेंगे। ये मॉडल है WM फोनिक्स प्लस। तो सबसे पहले हम इसको अपने प्लग में लगाएंगे और इसको ऑन करेंगे, तो इस तरह का कुछ मोड आपको दिखने को मिलता है। आपको पावर को ऑन करना है। इसमें आपको बहुत सारे बटन दिखने को मिलेगा, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। ये जो है ये पावर मोड है, और ये है 24 आवर्स अगर आप रखने चाहते हो, और ये मोड है, ये इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले कुछ इस तरह का आपको डिमो जो है शो करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो साइन दिख रहा है ये है फैन का साइन। यहाँ पर मोड पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रिक पावर जैसा आता है। इसका मतलब ये है कि ये 1000 वाट पे गया है, क्योंकि इसमें डबल जो है आपको पावर सेटिंग मिलता है। 1000 वाट भी आप रख सकते हो और 2000 वाट भी आप रख सकते हो। तो इसी तरह हम अगर मोड पे दोबारा और एक बार अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो है ये डबल हो चुका है। इसका मतलब ये 2000 वाट पे अभी ये चल रहा है। ऑटो की अगर हम बात करें तो इसको हम ऑटो कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जितना भी आपका सेटिंग है वो ऑटोमेटिक चलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम टेम्परेचर देखते हैं। ये जो है टेम्परेचर है, और ये अभी रूम का टेम्परेचर है। आवर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे 24 आवर्स लिखा है। अब इसे मैनुअली सेट भी कर सकते हो। जैसे हम अभी सेट करेंगे 1 2, ये यानी इसका मतलब ये हुआ 2 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक सेट ये बंद हो जाएगा। अभी 2 मिनट हो चुका है इसको ऑन किए हुए। और अगर हम आपको एक डिमो दिखाएंगे, जैसे हम 3 4 5 6 7, 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 24 के बाद फिर से 0 पे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये टाइमर है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे 24H लिखा हुआ है, 24 आवर। अब इसे मैनुअली 1 2 इसी पे आपको बढ़ाना है, 1 2। और साथ ही साथ जब हम इसको बंद करेंगे तो डायरेक्ट बंद नहीं करना, यहाँ से पावर पर क्लिक करना, तो थोड़ी देर के बाद ये ऑफ हो जाएगा। ये हो गया बंद, तो ये ऑटोमेटिक ये क्लोज़ भी हो जाएगा। इसके बाद जब ये क्लोज़ हो जाएगा, इसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट इसे पुट ऑफ कर सकते हो। अगर आपको इसी के रिलेटेड कोई और क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।